रे 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 ही गयनी चराया जो कसी माटंडी हो नमस्कार एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं हमें आपके साथ गोविंद राज और इस वक्त गोड्डा कॉलेज में है। यहाँ पर गोड्डा कॉलेज के जितने भी छात्र यहाँ पर आदिवासी छात्र हैं छात्राएं हैं वो तमाम लोग जो है सोहराय पर्व को बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यहाँ पर मना रहे हैं। गोड्डा के जो आपको बता दें कि पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ में कई गणमान्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से ये लोग कार्यक्रम इस बार कर रहे हैं वो हम लोग इन लोगों से जानेंगे। क्या कुछ नाम हो गया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मरंडी है। क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में? यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है ये सोहराय पर्व के शुभ अवसर पर ये मिलन समारोह हो रहा है। ये गोड्डा कॉलेज गोड्डा के छात्रों के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये बड़े धूमधाम से क्या कुछ होगा, क्या क्या हुआ और क्या कुछ होने वाला है? अभी तो ये सोहराय पर्व का जो शुरुआत होता है उसमें सबसे पहले होता है गौड पूजा। तो गौड पूजा हम लोग जो वहाँ पर पूजा किए, क्या कुछ हुआ उसमें? वहाँ पर पूजा किए उसमें अपना जो गौड थान है वहाँ पर पूजा किए, वहाँ बलि चढ़ाए। अच्छा। वहाँ पर और वही जो चौड़ोर करते हैं जो हड़िया चौड़ोर किए। कितना दिन तक चलता है ये पर्व? ये पर्व है हम लोग का 5 दिन तक चलता है। अच्छा। 5 दिन तक ऐसे शुरुआत हुआ और ये 9 तारीख से अब शुरू हुआ तो ये 14 तारीख तक चलेगा। और कार्यक्रम आप लोग क्या क्या रखें? कार्यक्रम तो यहाँ पर तो वही सोहराय से रिलेटेड ही ये जो नृत्य रखा गया है। तो आप अभी देख रहे थे कुछ गा रहे थे, क्या कुछ था वो, एक लाइन आप सुनाओ। जो मैं गा रहा था वो ये बोलते हैं जो पूजा करने के बाद जब गांव में मांझी हराम के घर में लौटते हैं नायकी के घर में तो उसके बाद गई जगाव करने के लिए हम लोग निकलते हैं। अच्छा। गांव गांव घर घर में तो गई जगाव करते थे वो करते हैं वही गाना मैं वहां पर गा रहा था। क्या कुछ एक लाइन सुना के बताइए? वो गाना है रे 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 ही गयनी चराया जो कसी माटंडी हो महिषिनी चराय गंगा पराया जो यो रे गयनी यावाया ते बेरा मा डूबी गेल महिषिनी यावाया धारत या जो ही यनी का पनी बबू तेलकारी से हो कौन सिंह महाकाब कुजूरी का तेल लोहा किरी दियड़ा कपसड़ा बती हो सरबती जारा या धारत या जो ही। इसका क्या मतलब है, एक बार समझा? ये इसका मतलब हुआ जो ये पर्व जो है ना जो हम लोग किसान हैं तो गाय और बैल जो भैंस इस सब से हम लोग खेती करते हैं तो इस सब से तो संबंध रखना पड़ता है तो इस सब को खुश रखने के लिए ये पर्व हम लोग मनाते हैं। तो उन सब को ही मतलब स्वागत गान करते हैं उस वही है। तो ये किस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है बताते हैं। और भी लोग कई लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, यहाँ पर एक और जो मंच संचालन कर रहे हैं और लगातार कैसे कार्यक्रम करना है वो आप बता रहे हैं सभी को। जी हाँ बिल्कुल। क्या कुछ आज बढ़िया सबसे कार्यक्रम कौन सा होने वाला है, क्या लगता है? सबसे बढ़िया कार्यक्रम तो यहाँ तो सब बढ़िया ही होने वाला है और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और अभी भी और अच्छा ही होगा। हाथ में बांसुरी आपका बयान है, आपको आता है बांसुरी? जी हाँ। एक बार कुछ भी सुना दिया हमारे दर्शकों? जी हाँ, सुनाने का तो सुनाएंगे पर सोहराय का ही राग सुनाएंगे हम तो। अच्छा सोहराय पर्व का ही ये धुन सुना रहे थे और किस तरीके से सोहराय पर्व में आप देख रहे हैं उत्साह है, लगातार कार्यक्रम यहाँ पर होता है और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों का जो परंपरा है उसको ही लोग बचा करके चलते हैं अपने किसी भी कार्यक्रम में।
जो पारंपरिक संथाली नृत्य है उसको पेश करने का काम करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए, समाज में एक अच्छा संदेश देने का कोशिश करते हैं, और पेड़ पौधा वृक्ष से किस तरीके से प्यार होना चाहिए, किसान अगर हैं तो किस तरीके से अनाज और बैल से उनको मोहब्बत होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो कार्यक्रम इसमें जो भाग लिए थे उनसे हमने बातचीत की और सुनाया आपको, और बड़ा अच्छा उन्होंने बांसुरी बजा के सुनाया, एक ने पारंपरिक गाना गा के आपको सुनाया। ऑडियंस की अगर बात करें तो देख लीजिए ऑडियंस किस तरीके से यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है, संथाली अपने पारंपरिक चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जितने ऑडियंस है वो लोग यहाँ पर भरे हुए हैं और कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। क्या नाम होगी आपका? प्रिया। आए कार्यक्रम देखने, आप भी इसी कॉलेज के हैं? जी। अच्छा लग रहा है क्या? कुछ बढ़िया लगा कार्यक्रम में? जी, अपने संस्कृति को दिखा रहे तो वो हम लोग देख रहे हैं, अभी पहली बार अनुभव ले रहे हैं हम लोग। पहली बार अनुभव ले रहे हैं। आपका क्या नाम हो गया? पार्वती मरंडी। क्या कुछ चीज में आप भाग लिए हैं यहाँ पे? नहीं नहीं लिए। भाग नहीं लिए, देखने आए आप लोग? हाँ। तो देखने ये लोग यहाँ पर पहुँची है, और तमाम ये जो है कॉलेज की छात्रा है, कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर भी देख लिए। क्या नाम हो गया आपका? भारोलाल टुडू। अभी किस चीज में भाग लिए क्या? नहीं, हम नहीं लिए, देखने आए हैं। आप लोग ये जो पारंपरिक जो ड्रेस है उसको पहन के आ जा रहे हैं? हाँ हाँ। तो जितने भी लोग हैं अपना जो सोहराय पर्व को लेकर जो पारंपरिक ड्रेस है उसको लेकर यहाँ पहुँचे हैं, और तमाम लोग यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से बैठ करके कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। आपका क्या नाम हो गया? संजू किरण। इसी कॉलेज से? नहीं, कार्यक्रम देखने के लिए आए? यस। तो तमाम ये खबरें हम आपको दिखा रहे थे, क्या कुछ सोहराय पर्व को लेकर हुआ, 5 दिन तक चलने वाला यह सोहराय का शुरुआत हो गया है, और लगातार जो है ये लोग भव्य तरीके से इस पर्व को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रकृति को बचाने की जो परंपरा है उसको लेकर के लगातार कोशिश करते हैं, कैसे पेड़ पौधा वृक्ष का लगातार ये लोग पूजा करते हैं, और उसी को लेकर के चाहे कॉलेज हो या फिर कहीं भी कार्यक्रम हो अपने परंपरा को बचा करके रखे हैं। आदिवासियों का ये जो देखने को हमेशा आपको मिलता है कि संथाली नृत्य हो या संथाली गाने के साथ ये लोग शुरुआत करते हैं, जहाँ पर बॉलीवुड, जहाँ पर हर स्कूल हर प्रोग्राम में जो है सिर्फ बॉलीवुड का गाना आपको देखने को मिलेगा, वहीं आदिवासियों का ये अलग परंपरा है कि अपने परंपरा को बचा कर रखते हैं, अपने संस्कृति को बचा करके रखते हैं। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे ही, और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।